प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो आज जो अपना न्यूमेरिकल रह गया था, एक न्यूमेरिकल का टॉपिक चल रहा था, यानी आंकिक प्रश्न का टॉपिक चल रहा था, पार्ट 12, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और एक न्यूमेरिकल आपका पेंडिंग था, कक्षा 10 के आप विद्यार्थी। ठीक है, तो क्वेश्चन है आंकिक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। इसने दिया 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 ओम, 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोधकों को, 6 ओम के प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित किया जाए, किस प्रकार संयोजित किया जाए, किस प्रकार संयोजित किया जाए। कि संयोजन का कुल प्रतिरोध, कि संयोजन का कुल प्रतिरोध ए 4 ओम और बी 1 ओम, बी क्या है 1 ओम, 1 ओम। ठीक है, तो उत्तर होएगा इसका ए पार्ट लेके चले हैं, ए पार्ट, माना R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम व R3 बराबर 6 ओम। ठीक है, तो अगर हमने इन दोनों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ दिया तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो सबसे अल्पतम प्रतिरोध यानी 3 से क्या आएगा, कम आएगा। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं भी इसका प्रतिरोध 2 आ जाए। ठीक है, फिर इन दोनों तारों को आपस में तो समांतर क्रम में भी इनका तुल्य प्रतिरोध 2 आ जाएगा और इसका 2 है ही, तो इन दोनों को मतलब इन दोनों के साथ इस तार को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 2 इससे आ जाएगा और 2 इसका हो गया, टोटल कितना हो गया 4। हमने ये केवल अनुमान लगाया है भी इनका जो तुल्य प्रतिरोध है अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ें तो इनका तुल्य प्रतिरोध सबसे अल्पतम प्रतिरोध यानी 3 से भी क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम के लिए हम तारों को निम्न प्रकार संयोजित करेंगे, निम्न प्रकार क्या करेंगे, संयोजित करेंगे और कैसे करेंगे संयोजित। ये पहला तार जिसका प्रतिरोध हमने R1 लिया है 2 ओम, ये तो श्रेणी क्रम में, और ये जो 2 R2 और R3 है इनको आपस में कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो ये दोनों तो समांतर क्रम में और इनके साथ ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में।
तो आर टू तीन ओम है और आर थ्री कितना ओम है? 6 ओम। ठीक है, अब देखो चूंकि आर टू व आर थ्री कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में संयोजित हैं, समांतर क्रम में संयोजित हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आरपी से लिख देंगे इसको, तो 1/RP बराबर क्या हो जाएगा? 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1/3 + 1/6, ठीक है, 6 आ गया लघुतम, 3 × 6 = 2, 2 × 2 + 6 = 1, 1 × 1 = 1, ये आ गया 3/6। ये बच्चों 1/RP का मान है, हमें आरपी का मान चाहिए, तो आरपी बराबर क्या हो जाएगा? इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, 6/3 यानी 2 ओम। आरपी का मान कितना आ गया? 2 ओम। ठीक है, अब आरपी का मान 2 ओम आ गया, तो देखिए आर वन जो है वो इन दोनों को, अब दोबारा अपन परिपथ चित्र देखें तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया? आरपी। इन दोनों की जगह हम आरपी बराबर 2 ओम कह सकते हैं, ठीक है, ये पहले से ही 2 ओम है। अब यहां पे देखोगे, ठीक है, तो देखोगे आप, अतः लगा के लिख देना इसको, अतः ये चित्र बना देना आप, चूंकि आर, यहां पे क्या लिखोगे, चूंकि आर वन व आर पी श्रेणी क्रम में संयोजित है, कौन से क्रम में संयोजित है? श्रेणी क्रम में संयोजित है, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध RS क्या हो जाएगा? RS बराबर R1 + RP यानी 2 + 2 कितना ओम आ गया? 4 ओम आ गया। ठीक है, तो ये हमने कितना ओम प्राप्त कर लिया। अभी आप किस प्रकार से इन तीनों चालक तारों को जोड़ोगे कि ये कौन से, इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल प्रतिरोध है, वो कितना है? 4 ओम। तो इन दोनों को तो समांतर क्रम में और इन दोनों के साथ आर वन को श्रेणी क्रम में क्या करेंगे? संयोजित करेंगे, तो इनसे तो कितना आ गया? 2 ओम, और ये 2 ओम है ही, तो ये एक सीरीज के रूप में आ गए, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। और परिपथ का तुल्य प्रतिरोध RS बराबर R1 + RP, तो 2 + 2 कितने ओम हो गए? 4 ओम। तो यानी 4 ओम प्राप्त करने के लिए इस हिसाब से हम तारों को जोड़ेंगे। तो पहले ये हमें अंदाजा लगाना पड़ता है भी इनका, इनको अगर समान 4 ओम चाहिए अपने को, 2 तो स्क्वेयर रख लो, मतलब अपने पास रख लो, और इनसे 2 आ जाए तो अच्छा हो जाए, लग भी रहा है भी समांतर क्रम में अगर इनको जोड़े तो तुल्य प्रतिरोध 3 से क्या आएगा? कम आएगा, क्योंकि ये रूल होता है कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे अल्पतम प्रतिरोध से भी क्या आता है? कम। ये हमने आपको डिटेल में बता ही दिया। उसके बाद में बी पार्ट क्या कहता है? ये बी पार्ट कहता है बच्चों कि इनका 1 ओम लाना है, तो 2, 3, 4 कम से कम 2 ओम है, तो अगर इनको हम समांतर क्रम में संयोजित कर दें तो प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जो है वो 2 से भी कम, यानी कितना आ सकता है? 1। तो बी पार्ट में 1 ओम प्रतिरोध के लिए
एक ओम प्रतिरोध के लिए हम तारों को निम्न प्रकार संयोजित करेंगे, यानी तीनों को ही पार्श्व क्रम में संयोजित कर दो, संयोजित करेंगे। या ये और लिखा दो कि समांतर क्रम में संयोजित करेंगे, समांतर क्रम में निम्न प्रकार समांतर क्रम में क्या करेंगे, संयोजित करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो आप एक चालक तार, ये R1, ये R2 और ये तीसरा R3, तो इनको कौन से क्रम में संयोजित कर दिया हमने, समांतर क्रम में। R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर कितना 3 ओम और R3 बराबर 6 ओम। ठीक है, तो चूंकि कौन सा संयोजन हो गया, ये हो गया चूंकि समांतर क्रम संयोजन है, कौन सा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ कौन सा, ये टोटल सर्किट का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध A1/RP, सूत्र होता है समांतर क्रम संयोजन में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला, 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, भिन्नों के बीच में जोड़ का निशान है, लघुतम लेकर हल करेंगे, 6 लघुतम आ गया, 6 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 3, और 3 एकम 3 प्लस 6 में 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6 2 आ गया, 2 एकम 2 प्लस 6 में 6 का भाग दिया 1 आ गया, 1 एकम 1, तो ये आ गया 3 2 5 और 1 6/6, कितना ओम आ गया 6/6 यानी 1 ओम आ गया। तो ये किसका मान आया है, ये 1/RP का मान आया है, लेकिन RP का मान निकालेंगे तो यहाँ से मैं RP/1 यानी इसके नीचे कुछ नहीं, ऑटोमेटिक 1 है, तो 1/1 यानी क्या आएगा 1 ओम ही आएगा, तो 1/RP से आप RP का मान जरूर निकालोगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि इनको अगर हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो जो तुल्य प्रतिरोध है परिपथ का वो इस अल्पतम प्रतिरोध से भी क्या आएगा, कम, यानी 2 से कम 1 होता है। तो इन तीनों को ही कौन से क्रम में संयोजित करना चाहिए, इनको समांतर क्रम में संयोजित करना चाहिए, और यहाँ पे अपने को 4 चाहिए था, तो 2 तो ये हमने वो सिक्योरिटी रख ली, इनको समांतर क्रम में जोड़ोगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध 3 से कम आएगा, अब 3 से कम मान लिया 2 आएगा, और 2 और ये 2 पहले से ही है, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समांतर क्रम संयोजन के आधार पर न्यूमेरिकल था। अब हम बात करते हैं बच्चों एक और न्यूमेरिकल की, क्वेश्चन नंबर 5वां है, और 5वां क्या कह रहा है, 4 ओम 8 ओम 12 ओम व 24 ओम के प्रतिरोधकों की 4 कुंडलियां को किस प्रकार संयोजित करेंगे, 4 ओम 8 ओम 12 ओम, 4 ओम 8 ओम 12 ओम व 24 ओम व 24 ओम की 4 प्रतिरोधक कुंडलियों को, कुंडली क्या होती है, जब किसी, ये आपको पहले ही बताया गया कि जब किसी सीधे चालक तार की एक सिरे को स्थिर रखकर उसके पारी तय चारों ओर घुमाने पर प्राप्त संरचना, जैसे अपने पास एक सीधा चालक तार है उसके एक सिरे को स्थिर रखकर उसके पारित यानी चारों ओर घुमाने पर प्राप्त संरचना क्या कहलाती है, कुंडली।
जैसे सांप भी कुंडली डालता है ना, ठीक है, उसी के सिमिलर। और वो वर्ताकार पथ क्या कहलाते हैं, कुंडली के फेरे, जिसको एन से लिखा जाता है, ठीक है। तो चार प्रतिरोधक कुंडलियां हैं, जैसे हीटर के अंदर कुंडली होती है तापन अवयव उसका, तो चार प्रतिरोधक कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करेंगे, किस प्रकार संयोजित करेंगे, संयोजित करेंगे। नंबर एक, किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का प्रतिरोध क्या हो, नंबर ए अधिकतम हो, यानी एक तो अधिकतम प्राप्त करना है, पहले अधिकतम ही होगा, हाँ पहले अधिकतम, और बी है न्यूनतम, यानी कम से कम, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है, टोटल प्रतिरोध, वो सबसे अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक आता है, और समांतर क्रम संयोजन में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध सबसे अल्पतम प्रतिरोध से भी क्या आता है, कम आता है। तो आपको अधिकतम प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ो, और न्यूनतम प्राप्त करना है तो समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ो। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम एक ही बात होती है। तो ए पार्ट, अधिकतम प्रतिरोध के लिए पहले आप मान लो, इनको मानना कॉमन पार्ट है, ये दोनों पार्टों में यूज होएगा। आर वन बराबर 4 ओम, आर टू बराबर 8 ओम, आर थ्री बराबर 12 ओम और आर फोर बराबर 24 ओम, ठीक है। अब ये अधिकतम प्रतिरोध के लिए हम प्रतिरोधकों को या इन कुंडलियों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। अधिकतम प्रतिरोध के लिए, अधिकतम प्रतिरोध के लिए हम इन कुंडलियों को कौन से क्रम में, कुंडलियों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या आता है, ज्यादा आता है, श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। तो चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन है, क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होएगा, आरएस से लिखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, आरएस बराबर हो जाएगा, 4 है ना, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर, ठीक है। तो यहां पे मान रख देते हैं 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, 4 8 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 ओम, ठीक है। तो ये 48 ओम क्या है, अधिकतम प्रतिरोध है, ये ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध इतना आएगा, ठीक है। और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए हम इन कुंडलियों को, हम इन कुंडलियों को कौन से क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। समांतर क्रम में संयोजित करेंगे, संयोजित करेंगे, ठीक है। तो देखो, चूंकि समांतर क्रम संयोजन है,
कौन सा संयोजन है? समांतर क्रम संयोजन है। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? एक बटे आरपी बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू, ये रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आरपी होता है इसमें, एक बटे आर थ्री प्लस एक बटे आर फोर। आप मान रख दीजिए, एक बटे आर वन का मान चार प्लस एक बटे आठ प्लस एक बटे बारह प्लस एक बटे चौबीस, लघुतम कितना आ गया? चौबीस। ठीक है, अब चार का इसमें बाद है, चार छी का चौबीस, छ छ एकम छ, आठ ती है चौबीस, तीन आ गया, तीन एकम तीन, बारह दूनी चौबीस, दो आ गया, दो एकम दो, चौबीस एकम चौबीस, एक एकम एक, छ तीन नौ दो ग्यारह और एक बारह, बारह बट्टे चौबीस किसका मान आ गया? बारह बट्टे चौबीस आ गया बच्चों एक बटे आर पी का मान, बट अपने को तो आर पी का मान चाहिए, तो आर पी बट्टा वन, वन को लिखना कोई जरूरी नहीं है, इधर से पलटा मारेंगे तो इधर से भी पलटा लगेगा, चौबीस बट्टे बारह कितना आ गया? दो। तो ये जो दो ओम है ना, ये न्यूनतम प्रतिरोध है, तो अधिकतम प्रतिरोध कितना? अड़तालीस ओम, और न्यूनतम प्रतिरोध कितना? दो ओम। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन के आधार पर ये आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब बच्चों हमने जब आपको लेसन कराया तो बीच में जो पाठगत क्वेश्चन होते हैं, बीच बीच में दिए होते हैं पाठ के, वो रह गए थे और हमने वो नहीं करवाए थे। ठीक है, तो वो पाठगत प्रश्न भी आपको हम अब करवाते हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। सामान्यतः घरों में, सामान्यतः घरों में सभी विद्युत उपकरणों को, सभी विद्युत उपकरणों को कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है? उपकरणों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। हमारे घरों में सभी विद्युत उपकरणों कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आप जानते हो कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक चालक तार के सिरों पर विभवांतर तो समान रहता है, परंतु प्रत्येक चालक तार के चालक तार में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इससे क्या लाभ है कि प्रत्येक विद्युत उपकरण को उसकी इच्छा अनुसार क्या मिल जाती है? विद्युत धारा मिल जाती है, जिसको जितनी जरूरत होती है उतनी मिल जाती है, और सभी में वोल्टेज क्या रहती है यानी विभवांतर का मान क्या रहता है? समान रहता है। ठीक है, और दूसरा ये भी फायदा है कि अगर परिपथ का कोई एक अवयव काम करना बंद कर दे तो अन्य विद्युत उपकरणों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो और तीसरा ये भी है कि हम ये चाहते हैं कि धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा क्या हो? कम हो। तो समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध का मान है वो सबसे अल्पतम प्रतिरोध से भी क्या आता है? कम आता है, यानी प्रतिरोध भी क्या इसमें कम आता है, इसलिए समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। उसके बाद में सामान्यतः घरों में कितने वोल्ट का विभवांतर आता है, यानी सामान्यतः घरों में, सामान्यतः घरों में 220 से 230 वोल्ट का विभवांतर आता है। विभवांतर यानी आवेशों को मिलने वाला धक्का। ठीक है, तो ये दो चीजें आप और याद रखोगे कि सामान्यतः घरों में 220 से 230 वोल्ट का विभवांतर आता है, और सामान्यतः घरों में सभी विद्युत उपकरणों को कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम में।
इसके प्रॉफिट हमने आपको बताई दिए। अब एक प्रश्न था शुरू में कि विद्युत परिपथ, ये टॉपिक हमने आपको कराया था विद्युत परिपथ, एक क्वेश्चन था पाठ्यगत, तो पाठ के बीच बीच में क्वेश्चन आ रहे थे, वो क्वेश्चन हमने आपको बताए नहीं। अब न्यूमेरिकल जो आए थे बीच में वो तो हमने आपको बताए, लेकिन ये पीछे हालांकि टॉपिक करवा दिए थे लेकिन क्वेश्चन किस हिसाब से आ सकता है वो आपको पता नहीं चल पाया। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो ये आपको हमने टॉपिक करवाया था इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। दो या दो से अधिक विद्युत उपकरणों के समायोजन से बने बंद विद्युत के पथ को क्या कहा जाता है, विद्युत परिपथ। और विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरणों के चित्रों की अपेक्षा उनके प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने पर जो चित्र प्राप्त होता है उसे विद्युत परिपथ आरेख चित्र कहते हैं। जैसे ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, बैटरी किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक सेलों के समायोजन को बैटरी कहते हैं। ये पूंजी के होगी, ये विद्युत बल्ब हो गया, ये धारा को मापने वाला एमीटर हो गया, इसका प्रतिरोध अधिक होता है प्रतिरोध कम करने के लिए, इसका प्रतिरोध कम होता है और प्रतिरोध कम होता है तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और वोल्टमीटर जो होता है उसको कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, क्योंकि उसका प्रतिरोध एमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये विद्युत परिपथ आरेख चित्र हो गया, ये चित्र भी बना सकते हो, विद्युत परिपथ आरेख चित्र बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे विद्युत परिपथ के अंदर आपने विद्युत उपकरणों के चित्रों की बजाय उनके प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित किया है। ये विद्युत बल्ब का प्रतीक, ये कुंजी के यानी स्विच का प्रतीक, ये बैटरी का और ये एमीटर का, तो ये क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ आरेख चित्र, क्या कहलाएगा, विद्युत परिपथ आरेख चित्र। ये संयोजन तार हो गए, कौन से तार हो गए, संयोजन तार। तो विद्युत परिपथ की कोई परिभाषा पूछ ले, तो जैसे यहाँ पे हमने कितने उपकरण जोड़ दिए, 1, 2, 3, 4, दो या दो से अधिक विद्युत उपकरणों के समायोजन से बने, यानी जोड़ने से बने, समायोजन से बने बंद विद्युत के पथ को क्या कहा जाता है, विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। और विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरणों को उनके चित्रों की अपेक्षा उनके प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने पर प्राप्त चित्र क्या कहलाएगा, विद्युत परिपथ आरेख चित्र कहलाता है। तो ये आपको हमने टॉपिक में करवा दिया था। अभी विद्युत धारा के एसआई मात्रक की परिभाषा दीजिए, विद्युत धारा का ये भी आपको करवा दिया था, विद्युत धारा का एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए या सीधा पूछ ले कि एक एम्पियर से आप क्या समझते हैं, तो एक ही बात है, वो एक एम्पियर की परिभाषा देनी है। दो हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक एम्पियर विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, और दूसरा कि विद्युत धारा के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन कैसे होएगा, विद्युत धारा के एसआई मात्रक को, एसआई मात्रक को परिभाषित करो। तो याद कीजिए I बराबर Q बटे T फॉर्मूला बताया था, विद्युत धारा की परिभाषा का गणितीय रूप क्या होता है, ये रफली मैं आपको समझा रहा हूँ। I बराबर Q बटे T आपके दिमाग में है, तो मैंने आपको दो चीज बताई थी कि परिभाषा, ये परिभाषा गणितीय रूप है, विद्युत धारा की क्या परिभाषा होती है, किसी चालक में आवेशों के सतत प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा का गणितीय रूप है I बराबर Q बटे T, किसी चालक में आवेशों के सतत प्रवाह की दर को, दर आ गया, दर किसके रेस्पेक्ट में होती है, साइंस में टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर दर आ गया तो भाग में क्या आएगा, टाइम आएगा। ठीक है, तो देखो ये परिभाषा का गणितीय रूप होता है। अब परिभाषा के गणितीय रूप से ही मात्रक का गणितीय रूप आता है, और सूत्रों में जो मात्रक चलते हैं वो कौन से मात्रक चलते हैं, एसआई मात्रक चलते हैं। तो I का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर को किससे लिखते हैं, ए से। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, कूलाम को किससे लिखते हैं, सी से। और समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड, सेकंड को किससे लिखते हैं, एसईसी से।
तो एक एम्पियर की परिभाषा देनी है, तो एक एम्पियर का गणितीय रूप एक 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 लगा दो, ठीक है। अब यहां से परिभाषा बना रहा हूं मैं, ये परिभाषा का गणितीय रूप है, ये तो परिभाषा का गणितीय रूप है, ये परिभाषा से उसके एसआई मात्रक का गणितीय रूप है। तो मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं, यदि किसी चालक में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो, यदि किसी चालक में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उस चालक में उत्पन्न धारा कितनी कहलाती है, एक एम्पियर। तो यहां से भी आप देख सकते हो, यदि किसी चालक तार में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उस चालक में उत्पन्न धारा कितनी कहलाती है, एक एम्पियर। तो आई बराबर क्यू बटे टी और ए बराबर सी अपॉन एस सी सी, यहां से आप क्या कर सकते हो, परिभाषा के गणितीय रूप से उसके मात्रक का गणितीय रूप और मात्रक के गणितीय रूप से आपको वाक्य रूप में इसको लिख देना। ये गणितीय रूप होता है, इसको वाक्य रूप में कैसे, मैंने आपको बताया कि यदि किसी चालक तार में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उस चालक तार में उत्पन्न धारा कितनी कहलाती है, एक एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको करवाया हुआ है, तीसरा, एक कूलाम, ये वो न्यूमेरिकल है, ये 2015 के अंदर दो नंबर में आया हुआ है, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। ये न्यूमेरिकल वही है बच्चों, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो देखिए, दिया गया आवेश कितना है, ये शॉर्टली करवा रहा हूं अभी मैं, Q, एक कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उसको E से लिखते हैं, वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, N से लिखते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि निर्मित आवेश बराबर N गुणा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, निर्मित आवेश बराबर N इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर कुल आवेश के बराबर होगा। तो एक कूलाम बराबर N गुणा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। N का मान चाहिए, N को इधर रख लो, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, 1/1c/1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। ये N का मान, मात्रक से मात्रक कट भी जाता है। अब इस 10⁻¹ को ऊपर लेके गए तो 10⁻+ 19 आ गया, 1.6 × 10⁻¹+ 19, घात का चिन्ह चेंज हो जाता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आए। तो अब पॉइंट उड़ा दो तो गुणा में 10 लग गया, आधार समान है गुणा, और ये घाते जुड़ जाएंगी, तो 1/16 × 10⁻¹ अंश में क्या गया, 19 × 1 = 20 हो गया, ठीक है। एन का मान, तो 1 के अंदर 16 का भाग दोगे तो 0.0625 × 10⁻¹⁰ आएगा, ठीक है। लेकिन ये मानक रूप नहीं है, मानक रूप क्या कहता है, पॉइंट कहीं पे भी हो बाएं से प्रथम अक्षर के आगे होना चाहिए। तो पॉइंट, ये तो जीरो है प्रथम अक्षर, तो ये तो गिना नहीं जाएगा, तो ये प्रथम अक्षर हो गया 6.25 × 10⁻¹⁰ अब पॉइंट बाएं से दाएं जितने स्थान गया उतने ही गुणा में 10⁻¹⁻ लगेगी, तो 10 की 2 स्थान इधर गया तो बाएं से दाएं गया तो माइनस की लगी, और दाएं से बाएं जाता है तो प्लस की लगती है। तो आधार समान है गुणा, और ये घाते जुड़ जाएंगी, 10⁻¹⁰ = 20 + −2, तो 10⁻¹⁰ कितना हो गया, −2 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस ना, 20 − 2, यानी गुणा में तो एक 6.25 चल रहा है, 6.25, तो 6.25 × 10⁻¹⁸, इतने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो एक कूलाम आवेश का निर्माण होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखें, Q बराबर N Q, दिया गया आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका मान फिक्स, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, अगर 0.25 आप छोड़ भी देते हो
छह गुणा दस की घात 18 लगभग मान लेते हो, तो 6 के आगे 18 बिंदी लगाओ और उसको पढ़ो, उतने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तो एक ही गुलाम आवेश बनेगा, यानी खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सन 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक गुलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब उस युक्ति का नाम बताइए जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखती है, तो वो होती है सेल या बैटरी, क्योंकि बैटरी सेल तो एकल इकाई है और बैटरी क्या है, सेलों के समायोजन से बनती है बैटरी, ठीक है, और सेल एक एकल इकाई है जो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, रूपांतरण करती है। तो क्वेश्चन है, ये तीन क्वेश्चन तो एक साथ हैं और उससे आगे वाले पेज पर आगे के क्वेश्चन है, विभवांतर के बाद के क्वेश्चन ये हैं। उस युक्ति का नाम बताइए, उस युक्ति का नाम बताइए, नाम बताइए जो चालक के सिरों के बीच, जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखती है, सिरों के बीच क्या बनाए रखती है, विभवांतर बनाए रखती है, बनाए रखती है, तो वो क्या होगी, सेल या बैटरी। आवेशों को धक्का कौन देता है, यानी विभवांतर कौन बनाए रखता है, सेल या बैटरी, ठीक है, तो ये चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखती है। अब यह कहने का क्या तात्पर्य कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एक वोल्ट है, तो क्वेश्चन दूसरा, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना वोल्ट है, एक वोल्ट है, यानी आपको एक वोल्ट की परिभाषा देनी है। तो आपके दिमाग में ये रफली मैं बता देता हूँ, हालांकि इस उत्तर में नहीं लिखना, ये विभवांतर बराबर क्या होता है, W बटे Q फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है, विभवांतर बराबर W बटे Q, जहाँ पे V विभवांतर या विभव और W किया गया कार्य और Q क्या होता है, आवेश, ये विभवांतर की परिभाषा का गणितीय रूप है, ठीक है, और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट को V से लिखते हैं, और कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, जूल को जे से लिखते हैं, और आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम, कूलाम को सी से लिखते हैं। तो ये विभवांतर की परिभाषा का गणितीय रूप, ये उत्तर में नहीं लिखना, लेकिन मैंने आपको बताया परिभाषा के गणितीय रूप से ही मात्रक का गणितीय रूप आता है। तो एक वोल्ट की परिभाषा देनी है आपको, तो एक एक एक, ठीक है, तो यहां से ये एक वोल्ट का गणितीय रूप हो गया, और आप क्या इसकी परिभाषा बनाओगे, ये टॉपिक मैं पहले करवा चुका, लेकिन यहाँ पे इतना ही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, ठीक है। यदि एक गुलाम धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक जूल हो, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर एक वोल्ट कहलाता है। क्या बताया मैंने, यदि एक गुलाम धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक जूल हो, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर एक वोल्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं करवा चुका हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे, तो ये पूछ ले कि विभवांतर का ऐसा ही मात्र को परिभाषित कीजिए या एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए, सीधा ही पूछ ले, या ये कह दे कि यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एक वोल्ट है, तीनों का सेम आंसर है, एक वोल्ट की परिभाषा देनी है, ये गणित के रूप हो गया। उसके बाद में 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले क्वेश्चन नंबर 6,
तीसरा सॉरी क्वेश्चन नंबर तीसरा, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक गुलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? हर एक गुलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? ठीक है, तो उत्तर ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, V वोल्ट दे दिया, मतलब V का मान दे दिया 6 वोल्ट, विभवांतर V का मान 6 वोल्ट, आवेश Q का मान 1 कूलम, ऊर्जा यानी कार्य का मान आपको निकालना है, ऊर्जा यानी कार्य W का मान आपको निकालना है। तो विभवांतर की परिभाषा से आप क्या जानते हो? विभवांतर या विभव की परिभाषा से, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा से, यानी परिभाषा गणितीय रूप होता है, V बराबर फार्मूला क्या होता है, W बटे Q। तो W एकम W, यानी आपको W का मान निकालना है, बराबर V Q, V का मान 6, Q का मान 1, 6 एकम 6 जूल, यानी कितनी ऊर्जा दी जाएगी, 6 जूल ऊर्जा दी जाएगी। जूल किसका एसआई मात्रक होता है? कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। अब एक क्वेश्चन है, कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर, किन किन कारकों पर निर्भर करता है? चार चीजों पर निर्भर करता है। कितने कारकों पर निर्भर करता है? चार कारकों पर। तो अगर क्वेश्चन का जो अंक बाहर है उसके हिसाब से उत्तर देंगे, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो केवल नाम नाम लिखेंगे या एक एक लाइन लिख देंगे। नंबर एक, चालक तार की लंबाई L पर निर्भरता, चालक तार की लंबाई L पर निर्भरता। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है? समानुपाती, यानी R proportional to L। ठीक है, दूसरा, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर निर्भरता, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, या आप टॉपिक वो समझेंगे पीछे वाले वीडियो के, तभी आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर निर्भरता। ठीक है, तो वो कैसे डिपेंड करता है, कि आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, कि चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये बढ़ेगा तो R घटेगा। जितना मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। और नंबर तीन, चालक तार के ताप T पर निर्भरता, चालक तार के ताप T पर निर्भरता। तो चालक तार का प्रतिरोध उसके ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। और नंबर चार, चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी इसमें क्या लिखोगे, कि किसी चालक तार का प्रतिरोध प्रकृति पर, ठीक है, निर्भरता, इसमें क्या लिखोगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है जिससे वो बना हुआ है, यानी अगर वो चांदी से बना हुआ है तो उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। ठीक है, और तो चांदी सोने इन सभी का प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है। तो चालक तार का प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है
जिससे वो बना हुआ है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है बच्चों, मैं पहले इसको साफ कर देता हूं, ये आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखो क्वेश्चन है, समान पदार्थ के दो तारों में एक पतला और दूसरा मोटा है। समान पदार्थ के दो तारों में एक पतला व दूसरा मोटा है। तारों में यदि एक तार पतला व दूसरा तार मोटा है, ठीक है, तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी? तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी? विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। ठीक है, जब इन्हें समान विद्युत स्रोत से यानी एक ही बोर्ड से समान विद्युत स्रोत से, जहां से विद्युत धारा मिल रही है वो विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाए। और क्यों? रीजन भी देना है इसमें, कारण भी देना है। ठीक है, तो उत्तर, चूंकि हम जानते हैं, ये आप लाइन लिखोगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप हिंदी में लिख दो, ये गणितीय रूप हो गया। अर्थात जितना मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और जितना प्रतिरोध कम होगा उसमें विद्युत धारा उतनी आसानी से प्रवाहित होगी। अतः मोटे तार में विद्युत धारा आसानी से क्या होगी? प्रवाहित होगी, क्योंकि आर बराबर 1/a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो जितना मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और ओम के नियम से I बराबर क्या होता है? V/R। प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जिस अगर मोटा तार होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो उसमें उतनी आसानी से क्या बहेगी? धारा बहेगी। ये ओम के नियम से हम कह सकते हैं। तो जितना मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और ओम के नियम से हम जानते हैं कि जिसका प्रतिरोध जितना कम होता है उसमें उतनी आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे मोटे तार के अंदर विद्युत धारा क्या होगी? आसानी से प्रवाहित होगी, और पतले तार के अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि पतले तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध अधिक होगा, और प्रतिरोध अधिक होने के कारण पतले तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगी। तो ओम के नियम और ये विद्युत प्रतिरोध की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भरता, इन दोनों को देखते हुए हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में अब बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा, है कि मान लीजिए विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दिया जाए, कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तो उस
तब उस अवयव में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? क्या कह रहा है कि विभवांतर को पहले की अपेक्षा आधा कर दिया तो उसका प्रतिरोध तो नियत है, प्रतिरोध चेंज नहीं होगा, तो उस अवयव में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो ओम के नियम से हम जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू I, ये बोल रहे हैं कि अगर विभवांतर को आधा कर दें तो धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा? विभवांतर पहले V था, अब कितना कर दिया? आधा, और प्रतिरोध चेंज नहीं होता, तो इधर आधे से गुणा कराएंगे तो उधर भी क्या कराना पड़ेगा? आधे से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो विभवांतर अगर आधा होगा पहले की अपेक्षा तो धारा भी पहले की अपेक्षा क्या होगी? आधी होगी, यदि उसका प्रतिरोध सेम रहता है, ठीक है, क्योंकि ओम के नियम से हम जानते हैं कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, मोटाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्थिर रहे तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, अर्थात जिस अनुपात में विभवांतर बढ़ेगा उसी अनुपात में धारा बढ़ेगी और जिस अनुपात में विभवांतर घटेगा उसी अनुपात में धारा घटेगी। तो विभवांतर आधा होगा तो धारा भी पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगर विभवांतर को पहले की अपेक्षा, पहले V था, V प्रोपोर्शनल टू I था, अगर विभवांतर पहले की अपेक्षा आधा कर दिया जाए और उस स्थिति में उसका प्रतिरोध स्थिर रहे तो धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा? धारा भी आधी हो जाएगी, क्योंकि धारा और विभवांतर एक दूसरे क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। कौन से नियम से? ओम के नियम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि विद्युत टोस्टर यानी ब्रेड सेकने वाला और विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के नहीं बनाकर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। जो विद्युत टोस्टर होता है उसमें स्प्रिंग सा लगा होता है ऐसे, ठीक है, कुंडली, कुंडली तापन अवयव होती है, तापन अवयव जो भाग गर्म होकर के ऊष्मा उत्पन्न करता है वो तापन अवयव होता है। जैसे बल्ब का तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जो बल्ब होता है ये वायर सा होता है बल्ब के अंदर, ये किसका बना होता है? टंगस्टन का, जिसका प्रतीक है W, जिसका गलनांक होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। तो तापन अवयव बल्ब में तंतु होता है, वैसे ही टोस्टर में और विद्युत स्त्री में तापन अवयव ये नाइक्रोम छड़ होती है, नाइक्रोम भी मिश्र धातु है और ये भी नाइक्रोम की बनी होती है ये कुंडली भी। तो विद्युत स्त्री में ये नाइक्रोम छड़ होती है, ये तापन अवयव होती है जो सोल प्लेट को गर्म कर देती है, नीचे वाली तली को, ठीक है। तो ये मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं ये पूछ रहा है, मिश्र धातु के बनाए जाते हैं ये तापन अवयव, ठीक है, जबकि शुद्ध धातु के नहीं बनाए जाते, ऐसा क्यों? तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो होती है, मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता यानी रोहो का मान उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होता है? अवयवी धातुओं की प्रतिरोधकता की अपेक्षा ज्यादा होता है, यानी इनकी प्रतिरोधकता रोहो यानी विशिष्ट प्रतिरोध, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता यानी रोह का मान उनके अवयवी धातुओं यानी शुद्ध धातुओं की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। तो ताप में वृद्धि के साथ इनकी प्रतिरोधकता में नगण्य परिवर्तन होता है, अगर ताप बढ़ाओगे तो इनकी प्रतिरोधकता में क्या होगा? न के बराबर परिवर्तन होगा। इसके अतिरिक्त मिश्र धातुओं का ऑक्सीकरण भी कम होता है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन से संयोग, एक तो ऑक्सीजन से संयोग ऑक्सीकरण भी कम होता है मिश्र धातुओं का, और धातुओं का ऑक्सीकरण ज्यादा होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीजन से संयोग करना, और दूसरा ये रीजन है कि इनकी प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण अगर ताप बढ़ेगा तो इनके प्रतिरोध पर प्रभाव, प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा? नगण्य, प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, इनकी प्रतिरोधकता ज्यादा होने के कारण पहले से ही ज्यादा है तो ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता में परिवर्तन नगण्य होता है, इसलिए जो
विद्युत टोस्टर है, विद्युत स्त्री, इनके तापन अवयव शुद्ध धातु के नहीं बनाकर किसके बनाए जाते हैं, मिश्र धातु के, जैसे ये नाइक्रोम का, ये भी नाइक्रोम का, ठीक है। तापन अवयव यानी जो भाग गर्म होकर के ऊष्मा उत्पन्न करता है वो तापन अवयव होता है, जैसे बल्ब में ये तंतु जो कि टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, ये तापन अवयव होता है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है, सिल्वर यानी चांदी, क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, सबसे कम होती है। और एक ये सारणी के अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन, तो वो सारणी जो आपको हमने बताई थी, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, धातुओं की प्रतिरोधकता, ठीक है, तो उस सारणी से आप देख सकते हो। अब बच्चों बात आ जाती है, तो एक पोर्शन पाठ का हो गया कंप्लीट, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पित करना और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पित करना, उसके आधार पर जो न्यूमेरिकल थे वो टोटली हमने करवा दिए। अब पोर्शन जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव, तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, धन्यवाद। तो इस चैप्टर को आप घर पे अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, थैंक्स।